हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई मैं आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले आया हूँ गाइस। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन एक फुली फंक्शनल कंप्यूटर में बदल जाएगा। मतलब आप बदल सकते हो अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो कर लो। तो भाई आज मैं आपके पास एक पूरा सेटअप लेके आया हूँ गाइस, जिसको यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके गाइस आप एक कंप्यूटर में बदल सकते हो अपने स्मार्टफोन को। यहाँ पर गाइस मैं जो एक माउस यूज़ कर रहा हूँ और गाइस यहाँ पर एक कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो एक्चुअली एक कीबोर्ड नहीं है, वो एक फ़ोन है गाइस, जिसकी डिस्प्ले में एज अ कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और भाई इसको मतलब आप अगर यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग मिलने वाली है। मतलब अगर आप चाहो तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो भाई अभी मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कैसे आप इसको कर सकते हो पूरा सेटअप। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले, सो लेट्स बिगिन। तो भाई ऐसे सेटअप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक माउस चाहिए होगा, या तो वो वायर्ड माउस हो सकता है या वायरलेस माउस। यहाँ पर मैं एक यूज़ कर रहा हूँ वायरलेस माउस, जो कि ब्लूटूथ माउस है HP की तरफ से। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका एक रिसीवर रहेगा कुछ ऐसा। अगर आप वायरलेस यूज़ कर रहे हो, अगर वायर्ड होगा तो उसके साथ एक वायर भी होगी। यहाँ पर आपको एक OTG केबल यूज़ करनी पड़ेगी गाइज़। यहाँ पर ये बेसिकली आपका जो भी चार्जिंग का पोर्ट रहता है, जैसे यहाँ पर Type-C पोर्ट है, इसको कन्वर्ट कर देती है यहाँ पर एक USB पोर्ट में। तो यहाँ पर USB डिवाइस कोई भी आप कनेक्ट कर सकते हो या USB को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने इसको सेटअप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरी डिस्प्ले है फ़ोन की, उसके ऊपर यहाँ पर मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ एक पॉइंटर को। यहाँ पर पॉइंटर के साथ मैं सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ अपने फ़ोन का और यहाँ पर टच सब कुछ चल जाएगा इजीली। तो भाई ये तो बात हो गई माउस की। तो भाई माउस को आप इजीली ऐसे सेटअप कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं पहले कीबोर्ड की। तो भाई कीबोर्ड का मैं एप्लीकेशन आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस है गाइस, जिसको मैं एज अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एज अ कीबोर्ड इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूँगा वो पीछे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर पीछे टाइप हुआ जा रहा है यूट्यूब के अंदर। यहाँ पर मैंने अपना चैनल नेम सर्च किया तो भाई यहाँ पर इजीली आ चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस कीबोर्ड को यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा स्क्रीन को, ये मतलब बिल्कुल सीमलेस टच नहीं रहेगा, वो एक मतलब थोड़ा सा प्रेस करना रहेगा गाइस, जिसके साथ आपको एक अच्छी कीबोर्ड वाली फीलिंग आ जाती है। और भाई यहाँ पर मैं इजीली इसको चला पा रहा हूँ और अपनी सब कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने फ़ोन से, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईजी टाइपिंग है इसके साथ और ये ऐसा कुछ दिखता है। अभी मैं आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, जिसके साथ गाइस आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो भाई कीबोर्ड एप्लीकेशन का नाम है BT कंट्रोलर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लोगो गाइस। इसका लिंक आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आपको बस टाइटल पर क्लिक करना है और आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो भाई इसको आपको दोनों डिवाइसेस में इंस्टॉल कर लेना है गाइस, जो रिसीवर और सेंडर है दोनों में ही। और भाई यहाँ पर आपको बहुत टाइप ऑफ कीबोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि इस टाइम पर मैं अगर कीबोर्ड की जो कैटेगरी है उसको ब्रोज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे कीबोर्ड्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ और भी कंट्रोलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो मैंने सिलेक्ट किया है गाइज़, वो वाला मैंने मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाउनलोड कर लिया। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट आपको किसी भी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है गाइज़ उसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गई गाइज़ बात कीबोर्ड को डाउनलोड करने की। और भाई इसमें बहुत सारे कंट्रोलर्स गाइज़, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई इसके बाद आपको क्या करना है, जो रिसीवर डिवाइस है गाइज़ यहाँ पर, उसमें आपको क्रिएट अ होस्ट का बटन दबा देना है, उसके बाद अलाउ कर देना है। और गाइज़ यहाँ पर आप मेक श्योर करना कि जो आपके डिवाइसेज हैं गाइज़ वो पहले ब्लूटूथ के साथ एक आध बार कनेक्टेड हों या पेयर्ड हों गाइज़, उसके साथ गाइज़ आप इजीली कर पाओगे। और दूसरे डिवाइस पर गाइज़ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉलो कर लेना इंस्ट्रक्शंस को, ईजिली गाइज़ कर लोगे, आपको शो हो जाएगा अगर आपके डिवाइसेस पहले से पेयर्ड होंगे तो। तो भाई यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर इस टाइम पर आप देख सकते हो, ये एक पॉपअप नहीं ओवरले है, एक तो टाइप ऑफ ओवरले है, आप इसको देख सकते हो और इसको साइड कर दो। उसके बाद गाइज आप इजीली अपने कीबोर्ड को एक्सेस कर पाओगे रिमोटली। तो भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट करो, क्योंकि गाइज इसमें एक ऑप्शन भी है ऐप में वाईफाई का, तो गाइज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि गाइज वाईफाई के साथ थोड़ी स्लो यहाँ पर ट्रांसमिशन होगी गाइज कैरेक्टर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इजीली यहाँ पर कुछ भी यूट्यूब या गूगल के ऊपर सर्च कर सकता हूँ, जैसा मैं यहाँ पर अभी गूगल के ऊपर यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ। ये काफ़ी सीमलेस लगा मुझे और ये अच्छा भी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाता हूँ, जो कि मैं बहुत इजीली यूज़ कर पा रहा था। यहाँ पर गाइस कुछ बटन है ऊपर इसी जो कीबोर्ड है उसके ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीबोर्ड के ऊपर एक पॉज का बटन है जिसको मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर गाइस M1 और M2 ऐसे कुछ बटन हैं गाइस, जिसके साथ मैं वॉल्यूम को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं M1 दबाता हूँ तो पीछे आप देख सकते हो कि मेरी जो वॉल्यूम है
पीछे फ़ोन के ऊपर हो गई, मतलब कम हो रही है और ज़्यादा हो रही है, जो कि बहुत ही मुझे एक अच्छा शॉर्टकट लगा। और ऐसे काफ़ी शॉर्टकट्स आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा मिल जाएंगे और आप इजीली अपने फ़ोन को एक कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है गाइस, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो भाई कैसी लगी आपको ये वाली ट्रिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर में, यहाँ पर मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कुछ भी मतलब आराम से एडिटिंग हो जाएगी गाइस इसके साथ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अभी PSCC चला रहा हूँ गाइज इसके अंदर। PSCC भाई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, और अगर आप इसको मतलब ऐसे सेटअप के साथ चलाओगे तो भाई मतलब कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा ज़्यादा फोटोशॉप और PSCC में। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि गाइज ये बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर रहते हैं और एक पॉइंटर के साथ गाइज इनको चलाना बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो भाई आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं अपने चैनल के ऊपर लगभग एक महीने के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई बेसिकली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे पिछले एक महीने से, और भाई मतलब की प्रेपरेशन की वजह से मैं कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। और गाइज़ अभी मेरे जनवरी और फरवरी में भी एग्जाम्स हैं तो मैं ज़्यादा वीडियोस तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन गाइज़ कुछ कूल स्टफ आपके लिए मैंने रखा है, प्रिपेयर किया है, और गाइज़ उसको मैं अपलोड करता रहूँगा और मतलब जितने टाइम तक कर पाऊँगा करूँगा। तो भाई यही थी मेरी आज की वीडियो गाइज़, कैसा लगा ये आपको यूनिक कंसेप्ट भाई बता देना कमेंट सेक्शन में। और भाई मतलब एक फेवर होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना गाइज़, अगर अच्छी लगी तभी लाइक करना भाई, नहीं तो डिसलाइक कर देना भाई, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भी मैं चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinion.